तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 से काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो नेक्स्ट वे बातें करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनली कह रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर सीबीएसई की तरफ से क्या फैसला है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। दोस्तों कल आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आपके हित में आ सकता है। तो बस आज आपको क्या काम करना है, आज दोस्तों आपको ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, मेल करना है, जो हमारा ये जो मुहिम है हैशटैग कैंसिल कंपार्टमेंट उसको दोस्तों ट्रेंड करवाना है, अपनी आवाज़ को पहुँचाना है। तो दोस्तों आपको आज सपोर्ट करना है, जितने भी यूट्यूबर के आप वीडियो देखते हो जो आपके हित में मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों ट्वीट करते हैं, आपको उनको ट्विटर पर फॉलो करना है और उनको रीट्वीट करना है, तो आप मेरे को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप दोस्तों मुझे भी फॉलो कर सकते हो और जितने मैंने ट्वीट करे हैं आप उसको रीट्वीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप को ये काम आज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सीबीएसई की तरफ से अभी तक क्या अपडेट है, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो दोस्तों सीबीएसई की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है, एक अपडेट निकल कर आ रही है कि जितने भी दोस्तों लोग जो कैंसिल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सीबीएसई वहाँ पर दोस्तों रिप्लाई कर रही है। तो वहाँ पर दोस्तों सीबीएसई का जो ये मैसेज है, सीबीएसई वहाँ पर अपने मैसेज लिख रही है, आपको रिप्लाई दे रही है, तो ये एक भी अच्छी खबर है। तो इस मैसेज में दोस्तों ये लिखा रहा है कि मैटर इज़ अंडर प्रोसेस, ठीक है, एनी सूटेबल डिसीजन एज पर सर्कमस्टेंस, ठीक है, शैल बी टेकन फॉर ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। यानी कि दोस्तों वहाँ पर ये दोस्तों सीबीएसई ने कहा है कि जो मैटर है वो प्रोसेस में है, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए वही फैसला लिया जाएगा जो आपके लिए सूटेबल होगा। तो दोस्तों सीबीएसई इस मैसेज को काफ़ी, मतलब कि हर किसी को जो भी दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट कर रहा है उसको दोस्तों इसी मैसेज के माध्यम से यहाँ पर फॉरवर्ड कर रही है, तो रिप्लाई कर रही है। तो सीबीएसई कह रही है कि आपके लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा, तो अभी आपके लिए बेहतर है कि कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और सभी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए। यह तो बहुत कुछ कह रहा है ये सीबीएसई का मैसेज। तो जितने भी सीबीएसई को जो दोस्तों ट्वीट कर रहे हैं, तो सीबीएसई उन सभी का इस मैसेज को फॉरवर्ड करके उनको ये रिप्लाई दे रही है। तो फाइनली दोस्तों सीबीएसई की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो मैटर है वो अंडर प्रोसेस में है, यानी कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, जो स्टेक होल्डर है, जो मतलब कि फीडबैक है, आपके ओपिनियन है, उसी के बिहा पर दोस्तों डिसीजन लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत चांसेस हो गए हैं, सीबीएसई बहुत कुछ कह रहा है इस मैसेज के थ्रू। तो आपके इस कोविड-19 की महामारी को देखते हुए एग्ज़ाम लेना एक रॉन्ग डिसीजन होगा, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के केसेस है वो 18.5 लाख पार हो चुके हैं, तो केसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों 6.5 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो ऐसे में दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम लेना सही नहीं होगा, तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बहुत चांसेस हो गए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों नेक्स्ट वीक तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, अगले हफ्ते तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि जो सीबीएसई की तरफ से जो जल्द से जल्द फैसला किया जाए, ठीक है, आपको अंधेरे में ना रखा जाए, और जहां तक है दोस्तों 99% आपको खुशखबरी मिलेगी उम्मीद है, तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों निश्चिंत होकर भी नहीं बैठना है, आपको फ्री रहना है, फ्री माइंड से टेंशन फ्री हो जाना है, और आपको पढ़ाई भी करना है, साथ साथ स्टडी पर ध्यान भी देना है। तो गाइस एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, इसको बार बार मैं बताने से आप कुछ नहीं होगा, आप भी जानते हो कि इस महामारी सिचुएशन देखते हुए एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने तरफ से कोशिश करते रहिए, हम सब आपके सपोर्ट में, हम सारे यूट्यूबर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सब आपके सपोर्ट में है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ट्वीट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, छोटे छोटे न्यूज़ अपडेट मैं आपको लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।